अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, इस्तबरा किसे कहते हैं, इस्तबरा क्या चीज़ होती है? आज की ये वीडियो तमाम नौजवान लड़के और लड़कियों को पूरी वॉच करनी चाहिए, क्योंकि जो बात मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ ये बात तमाम मर्द और औरतों के हवाले से है। लिहाजा एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस पर अमल भी कीजिएगा, वरना याद रखें पूरी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ेगा। कोई इबादत, कोई नमाज अल्लाह की बारगाह में आपकी कबूल नहीं होगी, और जो नमाज़ें आपने अब तक पढ़ी हैं कल क़यामत के दिन वो सारी नमाज़ें इबादतें आपके मुंह पर मार दी जाएंगी। लिहाजा बहुत ध्यान से सुने, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लें। देखिए, अच्छी तरह याद रखें कि जिस तरह नमाज में अगर कोई वाजिब छूट जाए तो नमाज बग़ैर सजदा सहव किए मुकम्मल नहीं होती है। ठीक ऐसे ही पेशाब करने के बाद अगर उसे मुकम्मल तौर पर खुश्क ना किया जाए तो तहारत कामिल नहीं होती है। और आप इस बात को अच्छी तरह समझेंगे कि जब तहारत कामिल नहीं होगी तो वुज़ू भी मुकम्मल नहीं होगा, और जब वुज़ू मुकम्मल नहीं होगा तो नमाज होगी ही नहीं। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के अक्सर लोगों की नमाजें, उनकी इबादतें कल क़यामत के दिन उनके मुँह पर मार दी जाएंगी, उनकी तहारत और पाकिजगी मुकम्मल ना होने की वजह से। दूसरी जगह हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अक्सर कब्र का अजाब पेशाब की बेएहतियाती की वजह से होता है। हदीस में आता है कि एक बार हुजूर का गुजर एक कब्रस्तान से हुआ, सरकार ने देखा कि दो कब्रों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। मेरे नबी ने एक दरख्त की दो हरी टहनियाँ तोड़ी और दोनों कब्रों पर अलग अलग गाड़ दी, नसब फरमा दी। साहबा इकराम को बड़ा ताज्जुब हुआ। साहबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह आपने ऐसा क्यों किया? तो हुजूर ने फरमाया कि इन दोनों कब्र वालों पर अजाब नाजिल हो रहा है, और बहुत मामूली बातों पर, मामूली गुनाहों पर अजाब हो रहा है। अगर ये चाहते तो उन गुनाहों से बच सकते थे। एक को इसलिए अजाब दिया जा रहा है कि ये चुगली किया करता था, पीठ पीछे बुराइयां किया करता था, गीबत किया करता था, और दूसरे को इसलिए अजाब दिया जा रहा है कि ये पेशाब करते हुए बहुत बेहतियाती से काम लिया करता था, पेशाब की छींटों से नहीं बचा करता था। लिहाजा मेरे नबी ने फरमाया कि अक्सर कब्र का अजाब पेशाब की बेएहतियाती की वजह से होता है। उससे कुछ साल पहले आपने देखा होगा पुराने वक्तों में लोग अपना इस्तंजा, अपनी पेशाब खुश्क करने के लिए मिट्टी का ढेला इस्तेमाल किया करते थे। अब चूंकि ज़माना थोड़ा तब्दील हो चुका है, आज 95% मर्द और औरतें ऐसे ही पेशाब को खुश किए बगैर ही जल्दबाजी में पानी बहाकर कपड़े पहन लेते हैं, और फिर वो गंदगी, वो नापाकी, वो नापाक पानी कपड़ों पर लग जाता है। आप इस मिसाल से इस बात को समझिए कि जैसे हमारे घरों में टूटी होती है, टंकी होती है, उसको बंद करने के बाद भी कुछ वक्त तक उस टूटी से पानी के कतरे टपकते रहते हैं, पानी गिरता रहता है। ठीक यही हाल इंसानी जिस्म के मसाने यानी यूरिनरी ब्लैडर का है कि पेशाब करने के बाद अक्सर पेशाब के कुछ कतरे पेशाब की नाली में फंसे रह जाते हैं, और जब हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं या खांसते हैं तो वो पेशाब के कतरे पेशाब की नाली से निकलकर हमारे कपड़ों पर लग जाते हैं। लिहाजा अच्छी तरह एहतियात रखें, पेशाब करने के बाद जल्दबाजी से बिल्कुल काम ना लें, जल्दबाजी में पानी बहाकर कपड़े ना पहने, बल्कि पूरी तरह जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपका मसाना बिल्कुल खाली हो चुका है, उसके बाद ही इस्तंजा करने के बाद आप कपड़े पहने। मैं दो तीन तरीके आपको बताता हूँ पेशाब के कतरों से बचने के लिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहला तरीका यह है कि पेशाब करने के बाद आप मस्नूई तौर पर बिला वजह ऐसे ही 3-4 बार ज़ोर ज़ोर से खांसें, 3-4 बार खकारें। इससे क्या होगा, इससे आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, और पेशाब की नाली में जो कतरे पेशाब के फंसे हुए हैं वो बाहर की जानिब निकल जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि इस्तंजा करते वक्त आप अपने बाएं पैर पर 3-4 दफ़ा जोर दें, बाएं पैर पर 3-4 दफ़ा जोर दे करके बैठें। इससे भी आपकी पेशाब की नाली में जो कतरे रुके हुए, अटके हुए होंगे वो बाहर की जानिब निकल जाएंगे, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, कतरों की इन परेशानियों से आप बच जाएंगे। देखें, अक्सर हमने कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि साहब हमारा नमाज में दिल नहीं लगता है, नमाज में हमें मज़ा नहीं आता है, हमें लज्जत ही नहीं आती है। मैं कहता हूँ नमाज में आपका दिल कैसे लगेगा जब आपकी तहारत ही मुकम्मल नहीं है, आपका वुज़ू ही मुकम्मल नहीं है। जब आपका वुज़ू मुकम्मल होगा, तहारत मुकम्मल होगी, तब आपको नमाज पढ़ते हुए मज़ा आएगा। आज आप देखें अक्सर लोग अपनी अपनी परेशानियों में मुबतला हैं, कोई जिन्नात और शयातीन के असर में मुबतला है, कोई अपने रिस्क की तंगी का शिकवा करता है, तो कोई अपनी तकलीफ़ों का शिकवा करता है, कोई अपने गुस्से का, कोई हसद की बीमारी में मुबतला है। मैं कहता हूँ इन तमाम बीमारियों की जड़ अगर कोई है तो वो तहारत का मुकम्मल ना होना है,
पाकीज़गी का मुकम्मल ना होना है। आज ही से बल्कि अभी से इरादा आप मजबूत बना लीजिए कि आइंदा आप अपनी पाकी का, अपनी पाकीज़गी का भरपूर ख्याल रखेंगे, पेशाब करते हुए भरपूर एहतियात से काम लेंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका नमाज में भी दिल लगेगा, नमाज में आपको लज्जत आना भी शुरू हो जाएगी, आपके रिस्क में भी बरकत होगी, आपकी उम्र में भी बरकत होगी और आपके चेहरे पर भी नूर पैदा हो जाएगा। और इसी को इस्तबरा कहते हैं। और इस्तबरा करना वाजिब होता है, यानी पेशाब को मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लेना ताकि पेशाब के कतरे कपड़ों पर ना लगने पाएं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए।